भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर शिमला जाते समय कुछ देर के लिए सोलन में रुके। सोलन पहुंचने पर उनका सांसद वीरेंद्र कश्यप, भाजपा नेता राजेश कश्यप और कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार अपने कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को चार्ज करेंगे और आने वाले चुनावों में जीत कैसे हासिल की जाए इस बारे में आवश्यक टिप्स भी देंगे। अधिक जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बताया कि आने वाले चुनावों में अनुसूचित जाति मोर्चा अहम रोल अदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र की उपलब्धियों और चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है इस बारे में पदाधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनावों में जीत हासिल की जा सके। जब उनसे युवाओं की आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के बारे में पूछा गया तो अधीर हो गए और उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण करने वाले युवाओं को नासमझ बताया और कहा कि अनुसूचित जाति को आरक्षण छुआछूत को आधार मानकर मिला था, इसीलिए अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है तो भी अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी रहेगा। 2019 के चुनाव को लेके हम लोग कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, अनुसूचित समाज के लिए जो काम किया है वो जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जिनको देश के संविधान की समझ नहीं है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस देश में आरक्षण दो तरह से लागू है, जो अनुसूचित समाज को आरक्षण है वो अनटचेबिलिटी के कारण है, क्योंकि ये समाज हजारों साल से छुआछूत का शिकार रहा है, जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसको छुआछूत के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की थी। दूसरा, पिछड़े समाज के लिए पिछड़ेपन के कारण आरक्षण हो, इसलिए उस पर आर्थिक आधार पे तो लागू हो सकता है, लेकिन अनुसूचित समाज का आरक्षण अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ संभव नहीं है।